अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर ए माइनस बी और ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। सबसे पहले देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि इसको हम समीकरण एक मान लिए और इसको समीकरण दो, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि समीकरण एक से वाई का मान निकाल के समीकरण दो में रखिए, ठीक है, या समीकरण दो से एक से वाई किसी एक का मान निकाल के समीकरण एक में रखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर समीकरण एक से एक्स का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी प्लस है और वाई को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई। इसको हम मान लेते हैं समीकरण तीन, ठीक है। अब इस एक्स के मान को समीकरण दो में एक्स के जगह पर रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस ए है और एक्स का मान कितना है, ए माइनस बी माइनस वाई, और प्लस है माइनस बी वाई, तो यहाँ पर माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए में जब ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई, और माइनस यहाँ पर बी वाई है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस ए स्क्वायर और ए बी को बराबर के इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पर पहले से देखिए माइनस ए वाई है तो ए वाई, और माइनस बी वाई बराबर प्लस, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर प्लस है, और जब बराबर के इसको इधर लाइएगा तो यहाँ पर देखिए प्लस में है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस होगा ए स्क्वायर, और ये माइनस में है तो बराबर किधर आएगा, तो प्लस ए बी होगा, ठीक है। और यहां से हम क्या करते हैं, माइनस वाई कॉमन लेते हैं, जो दोनों में रहता है वाई कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी बचेगा, इसलिए जब माइनस बाहर निकाल दिए तो प्लस बचेगा, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इस बी स्क्वायर प्लस ए बी में से बी को कॉमन ले लेते हैं, तो जब बी कॉमन लीजिएगा तो आपको होगा ए प्लस बी, ठीक है। बी को कॉमन लीजिए, देखिए बी यहाँ पर दो है तो एक बच जाएगा, और यहाँ पर ए बी में एक बी है तो बी बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर ए बचा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई बराबर, इस ए बी को बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणा में है, तो बराबर के जब इधर भेजते हैं तो भाग होता है, तो यहाँ पर देखिए पहले से बी और ए प्लस बी है, तो यहाँ पर लिखिए ए प्लस बी, और इस बी को इधर लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर है ए प्लस बी, क्योंकि बराबर किधर आया तो भाग हुआ, भाग मतलब बट्टा में, और ए से बी और ए से बी कट गया, तो यहाँ पर होगा माइनस वाई बराबर बी, और इस माइनस को बराबर के इधर भेज दीजिए तो वाई बराबर का आपका आएगा माइनस बी, और इस वाई के बराबर माइनस बी को समीकरण तीन में वाई के जगह पर रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स ए माइनस बी, और प्लस एक माइनस है, और वाई का मान कितना है, माइनस बी, तो आपको होगा ए माइनस बी, और माइनस माइनस मिलके प्लस बी, और देखिए माइनस बी और प्लस माइनस बी कट गया, तो आपको एक्स का मान कितना आया, एक्स बराबर आया ए, तो आपका एक्स बराबर ए और वाई बराबर माइनस बी, ये हुआ आपका आंसर। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।